अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा सज्जाद मिक्स एंटरटेनमेंट। एंड आज की जो वीडियो है मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो फ़ख्रे पाकिस्तान कॉमेडी किंग मोहम्मद उमर शरीफ, जो इस दुनिया से जहाँ फ़ानी से कुछ रोज़ पहले ही कूच कर गए। लेकिन फ़ख्र की बात ये भी है कि वो इस दुनिया में थे तब भी फ़ख्र था और जाने के बाद भी फ़ख्र है कि आप इस चीज़ को देखें कि उनकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक कि उनको इस दुनिया के जाने के बाद जो है उनकी जो आखिरी आराम गाह है वो अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के वस्त में बनाई जाए। सो जो कि साहिल समंदर कराची में वाक़िया है, बहुत से जो कराची के रहने वाले लोग हैं वो इस चीज़ को जानते हैं और बहुत से लोग जो कि नहीं भी जानते, जो नहीं जानते उनको बता रही हूँ, और जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है। बात यह है कि हम लोग जो है काफ़ी रोज़ के बाद मैं वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ, और हम लोग जहाँ पे भी हमने विज़िट किया, क्योंकि अब्दुल्ला शाह गाजी हम लोग विज़िट करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन काफ़ी रोज़ से कोई आना जाना नहीं हुआ था। तो मेरी एक वो दिल में ख्वाहिश थी कि हम जो है मोहम्मद उमर शरीफ की जो आखिरी आराम गाह है उसको भी देखना चाहेंगे। और ये जो है मैंने जाके जब देखा तो मुझे, मेरे दिल को एक बंदे को तसल्ली सी हो जाती है कि देखें हम लोगों में अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे नाम कमाने वाली सेलिब्रिटीज़ जब इस दुनिया से चली जाती हैं तो कुछ लोग ऐसे खुश नसीब होते हैं कि जिनके जाने के बाद भी ऐसे ही रौनक लगी रहती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको कोई पूछता ही नहीं। लेकिन फ़ख्रे पाकिस्तान कहने का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान का फ़ख्र था, है और रहेगा, और आज भी जब हम इनके मज़ार पर आए तो फ़ख्र की बात यह है कि इनके मज़ार पे ऐसे ही रौनक लगी हुई है जैसे ये इस दुनिया में थे और रौनक लगाते थे, और जब इस दुनिया से चले गए फिर भी रौनक लगी हुई है। सो आज की इस वीडियो में जो कहने का मतलब ये था कि ये जहाँ फ़ानी है लेकिन खुश नसीब लोग ऐसे होते हैं जो जाने के बाद भी याद रहते हैं और जाने से पहले भी याद रहते हैं। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आप लोगों ने इस मज़ार पे आना है अब्दुल्ला शाह गाजी पे तो आप उमर शरीफ के जो आखिरी आराम का है उस पर ज़रूर जाइएगा और देखिएगा कि वहाँ पर भी खूब माशाल्लाह से रौनक लगी होती है और लोगों की बड़ी मकदार जो है वहाँ पे आती है, और उनका जो है वो आखिरी दरसगाह जो है उनकी ज़्यारत समझ लो, ज़्यारत ही करते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे भी जाके, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और ये वो रास्ता है जिससे आप इंटर होके और उसकी जो राइट साइड है उस पर जाके देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।